आंटी इतने सुघड़ बेटे आपने अनाथ से स्पेशल ऑर्डर बनवाए थे क्या? तुम्हें पता है सरमत की दफा तो मैंने सूरह यूसुफ का वजीफा किया था। और आदम की दफा? आदम की दफा तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे घर बेटी पैदा हो। वो टपक पड़ा, सेम हमारे घर की तरह। अब्बा की ख्वाहिश थी कि बेटे हों और मैंने और साशा ने एंट्री मार दी, तब से दुनिया से खफा है। नहीं भाई नहीं, कुत्तब भाई तुम तीनों से बहुत प्यार करते। अरे रहने दे आंटी, मुझे तो ऐसा कोई सीन याद नहीं। सारा बचपन बस अब्बा की डांट खाते और उनकी घूरियां बर्दाश्त करते गुजरा। अच्छा बस चुप कर जाओ, तुम हर जगह अब्बा की शिकायतें लेके बैठ जाती हो। कितनी समझदार है आप। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ क्यों नहीं, ये दही पहन दे। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं कर लेता। मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना। हाँ कोई बात नहीं। नेहा बेटा एक ग्लास रखना मेज। हर जगह रट्टा नहीं, अकल भी इस्तेमाल की जाती है। ये क्या है? हेलो हेलो एवरीवन, हैप्पी बर्थडे आदि बेटा, हैप्पी बर्थडे। खुदा गवाह जब भी आप आदि कहते हैं ना कोई नुकसान पूरा करके आते हैं। अरे नुकसान कैसा, देखो गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए है? अरे अभी नहीं, सबके सामने दूंगा ताकि सबको पता चले तुम्हारा बेरोजगार बाप भी तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया। सबसे बड़ा गिफ्ट तो नेहा बाजी ने कराई है, बड़ी मुश्किल से ढूंढना था हमने। अरे भाई तुम लोगों ने यही महफिल जमा ली, चलो लेके चलो सब डाइनिंग टेबल पे, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो, बर्थडे केक काटे। हाँ भाई चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह भाई वाह, क्या दौर था वो भी जब सुबह और शाम इस घर में ऐसी महफिलें सजा करती थी। हाँ बहुत ही नेक आदमी था तुम्हारा बाप, वो क्या गया महफिल ही उजड़ गई। अरे उल्फत भाभी ये टिक्का ट्राई करें, सरमद ने नई रेसिपी ट्राई की है। जी जी मैं ले रही हूँ। उल्फत तुम कुछ ले ही नहीं रही, ये कबाब ट्राई करो ना, ये सरमद ने बनाया। मैं सब खाऊंगी तमन्ना खाला। भाई हलीमा भाभी बहुत उम्दा चिकन कढ़ाई बनाई है। ये आपके स्टूडेंट का एक कारनामा है कुतुब भाई। तभी नमक थोड़ा ज्यादा है। क्या कहा? अब कुछ नहीं कह रही, खाना बहुत अच्छा बना है। भाई कुतुब हमारी बेटी वहां को दिल रखना खूब आता है भाई। अपने दंतों पे गई है। अब आपने ये पास्ता जरूर खाना है, ये आदम ने बनाया है। भाभी ये बताएं आपने भी कुछ बनाया है, सिर्फ लड़कों को काम पर लगाए रखा था। नहीं 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 आंटी, अम्मी सारा कुछ करती हैं, मैं और आदम तो बस हेल्प करते थे। अच्छा माशाल्लाह, भाई बीवियां इनकी बहुत राज करेंगी। आदम यहाँ तो अपने सर के सामने कुछ बोलते क्यों नहीं हो, सांप क्यों सूख जाता है तुम्हें? वो दिल से इज्जत करता है इनकी। हाँ इतनी तो कुतुब की सगी औलाद ने भी नहीं की होगी। हाँ वाकई अपने सगे बाप से ज्यादा अपने उस्ताद की इज्जत करता है। वो बाबा आप ये आराम से खाएं। थैंक यू बेटा थैंक यू। मिली जरा बात करनी है, जरा